सो है व्हाट्स हैपनिंग गाइस, माय नेम इज तिज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो है GTA 5 की और हमारे पीछे है तड़कती भड़कती दिन के समय में लॉस सैंटोस। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज जो है हम अपनी बोलेरो वाली कार को जो है कस्टमाइज़ करवाने वाले हैं। जैसे हमने हायाबूसा कराई थी, जो हमें कल मिल गई थी, उस चोर से हमने छीन ली थी अपनी कार। तो ये रहा सामने हमारा गराज, तो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर। और ये रही हमारी कार जो कि ब्लू रंग में एकदम बेकार लग रही है मुझे तो। और आज जो है मैं इसे माउंट चिल्ड्रेड पर भी जो है लेके जाऊँगा, इसका जो कस्टमाइज होने के बाद इंजन विंजन जो है ना मैं सारा कुछ अपग्रेड कर दूँगा ना, तो उससे जो है इसकी पावर वावर बढ़ जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ हम टेस्ट करेंगे कि ये कार जो है वहाँ कैसा परफॉर्म करती है हमारी। तो भाई फटाफट से जो है इसे लेकर चलते हैं अपनी कार को। और मैप में जहाँ पे चिट्टी गाड़ी वाले यार ये जरूर आते हैं हमेशा, मतलब तुम कहीं भी जाओ कुछ भी करो ये बीच में जरूर आएंगे भाई, पता नहीं क्यों। और मैं देख रहा हूँ भले ही GTA 5 की वीडियो में व्यूज़ गए पर वो टाइम बहुत मिल रहा है भाई। जो 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 लोग वीडियो को देखते हैं बहुत ज़्यादा देर तक, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं GTA 5 का गेम पर डालूँ या फिर नहीं। मैप में लोकेशन कर दी है सेट और चलते हैं अपनी गाड़ी को मोड़ दा, क्योंकि मैं हमेशा पता नहीं क्यों गलत रूट पर ही जाता हूँ, हो जाता है। और भाई मुझे भी पता है क्योंकि मेरी कमेंट बताऊँ किस लिए बेकार होती है। मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ तो हम लगा पहुँच ही गए लगभग लगभग, क्योंकि भाई मुझे वीडियो काटनी पड़ती है बीच से, क्योंकि तो इंटरनेट नहीं होता मेरे पास। और वीडियो की लेंथ जो है वो 1 घंटा रिकॉर्ड करनी पड़ती है, उसमें से 10-20 मिनट का काट का मतलब सीन काटने पड़ते हैं। तो ये आ चुके हम लॉस सैंटोस कस्टम्स। सबसे पहले तो भाई रिपेयर करेंगे अपनी कार को, क्योंकि अब लगाएंगे RMR, क्योंकि मैं जो सारे मिशन कंप्लीट करूँगा गाइज, 1-2 दिन वीडियो नहीं आएंगे शायद से। उसके बाद जो है मैं सारे RMR जो है हम अनलॉक कर सकूँगा सारे अपग्रेडेशन। तो जितना भी है ब्रेक्स यहाँ पर हम लगाएंगे अपने में स्पोर्ट्स ब्रेक ही लगाएंगे, क्योंकि फिलहाल हो जाए वही अनलॉक है। तो क्या है फ्रंट बम्पर्स लगाएंगे, फ्रंट बम्पर में देखते हैं कौन सा सा लगता है। तो ये है तो जी हाँ, गाड़ी जो है पूरी कस्टमाइज करा ली हमने। और भाई क्या मस्त लग रही है ना, ऑरेंज और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में लिटरली गाइस मजाक नहीं, क्या मस्त कार लग रही है। और मुझे बताया मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आती, क्योंकि बताऊँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई माइक यूज़ नहीं करता और ना ही कुछ जो फ़ोन का डिफ़ॉल्ट है वो इस्तेमाल करता हूँ, और 5 मिनट में पूरा वॉइस ओवर कर देता हूँ। तो फटाफट चलते हैं अपना लॉस सैंटोस की तरफ, बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता होगा मुझे पता है, क्योंकि देखना मैप में मैं कहाँ हूँ और जाना किधर है मुझे। तो भाई देखो ये है हमारी कार बुलेरो वाली, तो देखते हैं फटाफट कितनी दूर रह गया है हमारा लॉस सैंटोस को माउंट चिलियर वाला पहाड़। तो भाई ये देखो भाई हमें कहाँ जाना है, देख रहे हो कितने माइल्स का रास्ता है। ये यहाँ पे जो मार्क लगाऊंगा, और पीछे जो आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, या सॉरी भाई मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो भाई चलते हैं फटाफट से, कितने माइल्स का हो तो 5.84 माइल्स का रास्ता, लगभग 6 माइल्स, इसका मतलब क्या है 10-12 किलोमीटर का रास्ता, बहुत बैठता है गाइस। तो मैं जो है बीच बीच में मिलता हूँ आपको आधे रास्ते में, कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो गाइस जब भी मिलता हूँ मैं आपको, तो ये देख रहे हो गाइस ये गाड़ी देखो वाइट वाली, बिल्कुल प्योर नैनो के माफिक लग रही है, लग रहे हैं टाटा नैनो के माफिक, क्या कार है भाई रॉक स्टार वालों। तो भाई देखो मैं आधा रास्ता जो है कंप्लीट कर लिया है तुम्हारे भाई ने। तो ये है अभी तो गाइस बहुत लंबा रास्ता यार, और बहुत ही अंधेरा हो रहा है, बस ऐसे ही चलानी पड़ रही है। तो मैं आपको जो है आगे मिलता हूँ अभी, ठीक है ना। तो आगे भाई यार चिट्टी गाड़ी वाला नहीं मानता कभी भी गाइज वो भाई। ये देखो गाइज मैं आ तो चुका हूँ यहाँ पर, जहाँ से जो है माउंट चिलियड कच्चा रास्ता शुरू होता है मेन वाला, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है गाइज, यहाँ पर रात के 1 बज रहे हैं और अंधेरे में आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पर, मतलब दिख तो रहा है बट इतनी कोई अच्छी विजिबिलिटी नहीं है जो दिन के समय होती है। यहाँ पर जो है रात है वो चीट कोड भी नहीं है शायद से हटाने का। तो मैं जो हूँ आपको यहाँ पर सुबह मिलता हूँ, देखते क्या करते हैं। तो गाइज सुबह का वेट मैं नहीं कर पाया, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, शायद से आपको दिख भी रहा हो मेरे हिसाब से थोड़ा। तो भाई ये क्या रास्ता है, वहाँ पर चीता जा रहा है, सॉरी गिद्दड़ जा रहा है साइड में, मुझे पता है इतना कि अच्छा आता नहीं है मुझे रात में, बट फिर भी यार अब कितना वेट करेंगे हम सुबह होने का, लिटरली 48 मिनट उठी है। अगर आप रियल लाइफ से कंपेयर करो GTA 5 के दिन रात, तो आप 48 मिनट लगा सकते हो और 48 का हाफ करके खुद देख सकते हो। तो भाई फिलहाल तो इतना चैलेंजिंग रास्ता नहीं आएगा। और भाई यहाँ पर ब्रिज हो रही है, यहाँ पर स्लेंडर मैन वाला एरिया आ चुका है। यदि आपने चपाती पम्मी भाई की यहाँ पर प्लेलिस्ट नहीं देखी है भाई, क्या मस्त वीडियो बनाई थी उन्होंने स्लेंडर मैन की। और भाई फिलहाल तो जो है वो माइनक्राफ्ट दीवाने हुए पड़े हैं, गलती उनकी नहीं, बहुत ही मज़ेदार गेम है माइनक्राफ्ट। बट फिलहाल तो जो यहाँ पर 3:10 हो चुके हैं, और भाई क्या मस्त टनल है गाइस देख रहे हो। और हमारी गाड़ी के एग्जॉस्ट देखो, हम जैसे होते हैं ना रियल लाइफ में जो लोग बुलेट में लगवाते हैं उन्हें क्रैकर्स लगाते हैं, जिन्हें बोलते हैं पटाखे बुलेट में, वो पट पट करते हैं बटन दबाने का, उसके माफिक लग रहे हैं यहाँ पर। और रास्ता जो है हमें किधर को मुड़ा रहा है, चाहे इधर को मुड़ना है हम रास्ते के अकॉर्डिंग।
तो भाई इधर क्यों मुड़ेंगे, उल्टा मुड़ेंगे तो हम गलत जाएंगे ना, ठीक है ना, समझ तो रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई क्या ही तो मज़ा है, मतलब GTA 5 खेलने का ना मज़ा है गाइस। और जो बताऊँ मैं कमेंट इतने बेकार क्यों होते हैं, दूसरा रीज़न कि मैं गेम खेलते टाइम कमेंट नहीं करता, क्योंकि यार फिलहाल इतना पावरफुल लैपटॉप नहीं है। हाँ फ्यूचर में हो सकता है गेमिंग कुछ ले लूँ, हाँ प्लान तो है लगभग लगभग सा है ही। तो भाई हम यहाँ पहुँच चुके हैं गाइस, और सिर्फ मुझे इस वीडियो में ये देखना है कि इस पहाड़ पर चढ़ पाएगी या नहीं। अगर चढ़ पाएगी तो गाड़ी है ओके मेरे गैराज में आने के लिए। अबे 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 शिट यार, हाँ नीचे गिर गई कार, पागल कार एकदम बेकार, मतलब कार तो सही है मेरी गलती से गिरी, सॉरी गाइस। मैं जो आगे आ चुका हूँ, 4 बज चुके हैं यहाँ पर सुबह के, और भाई अभी भी अंधेरा है। तो भाई अब मैं यहाँ पर जो है कार रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो आपको जो है यहाँ पर सुबह के समय मिलता हूँ। तो भाई लोगों सुबह हो चुकी है और मैं चल रहा हूँ, थोड़ी विजिबिलिटी जो है ना पहले से बढ़ गई है, तो मैं चलता हूँ अपना यहाँ पर कच्चे रास्तों पर। हमारे यहाँ इन्हें बोलते हैं बटिया, जी हाँ हमारे यहाँ इन्हें बोलते हैं बटिया। जो हमारे क्षेत्र के आसपास से देख रहे हैं, जो हमने जानते हैं उन्हें पता होगा कि हम यहाँ हमारे यहाँ पर जो बटिया किसे बोलते हैं। तो भाई चलते हैं अपना, ये जो है मेन ही रूट शुरू हो चुका है हमारे लोग माउंट चिलियाड़ का। और देखो मैं कहाँ ऊपर तक जाना है गाइस, देख रहे हो ये साथ में चीता ऐसे मार देते हैं, कितना कमज़ोर चीता था। देखो गाइस ये प्रॉब्लम होती है कारों में, देखो भाई ये 4x4 शायद से हैवी है, नहीं देखो फंस जाती है गाड़ी, दिक्कत ये करती है यहाँ पर कार। तो पर टेंशन की बात है, तुम्हारा भाई पीछे लेगा इस कार को, यहाँ पर फुल एक्सीलेटर के साथ दे दी रेस, और 3 2 1 लेट्स गो। जी हाँ कार चढ़ तो गई है गाइस, चल 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 चल। पता नहीं हमेशा ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, पता नहीं क्यों हमेशा इस काम मेरे साथ ही होंगे, देख रहे हो मतलब फुल एक्सीलेटर दे रखा है तुम्हारे भाई ने। और यहाँ पर जो है वीडियो 2x स्पीड में, ये मत सोचना गेम इतनी स्पीड से कैसे पकड़ा है। तो ठीक है भाई, अब यार पत्थर में ठुक दिया फटाफट से जो है, मैं मतलब बीच में 2x स्पीड इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना हो, और मैं भी अपना फटाफट से 2x स्पीड में बोलने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस में नहीं बोला जाता यार इस तरह से, तो भाई क्या इस बार नहीं गिराऊंगा, इस बार थोड़ा ध्यान से चलेंगे हम यहाँ पर, इस बार चढ़ ही जानी चाहिए, शायद से चढ़ जाए, क्योंकि मुझे तो पहले से देख रखी है। मैं आपको बताऊँ मैं गेम प्ले रिकॉर्ड करता हूँ लगभग सुबह के 7:30 से 8 बजे के बीच, और वो इस बार बताऊँ कब करता हूँ, रात के 8 बजे। तो देख रहे हो लगभग 10-12 घंटे का डिफरेंस, तो फिर क्या ही मज़ा रह जाता होगा। और ये पकाओ सी गाड़ी मुझे दिमाग ख़राब कर रही है, यहाँ पर स्लिप कटवा रही है बार बार से। अरे तू पागल है क्या, जो भाई कैरिमिनटी वाले कह रहे कैरिमिनटी बस थोड़ी छूट है भाई, यहाँ नहीं गिरना, यहाँ नहीं गिरना भाई, दिमाग ख़राब हो जाएगा बिल्कुल, ना 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 बच्चे ना। बताओ बोंगनी टी उठ के भाग गया गाइस, देखो गाड़ी का कोई नहीं, तो हम बाद में भी रिपेयर करवा देंगे, पैसा बहुत है फ्रेंकली इनके पास, इससे जो है गाड़ी ठंडी रहेगी। आपको पता नहीं होगा मैं मिस्त्री तो नहीं हूँ, बट देखा है मैंने आज तक, हमारे यहाँ पर लोग बताऊँ क्या करते हैं, जो ट्रैक्टर होता है ना ट्रैक्टर, उसको जो ऊपर का बोनट होता है उसे उठा लेते हैं, और ताकि वो ठंडा रहे। ओए देखो भाई सैलानी जा रहा है घूमने, हम इसे बेचारे को परेशान नहीं करेंगे, तो ताकि ट्रैक्टर जो है ठंडा रहे, इसलिए हमारे यहाँ के लोग जो है उसे उठा लेते हैं। और GTA 5 में देखो क्या मतलब मैं बोल नहीं सकते यहाँ पर गाले वाली। तो देखो भाई ये रास्ता इधर से है इधर से है, तो मतलब क्या है, तो सामने से दे देते हैं या फिर वो बनाए ही क्यों, मतलब कुछ भी रोक स्टा गेम का साइज बढ़ाने के लिए। और भाई कुछ लोग ऐसे नमूने भी है यूट्यूब पर हमारे एरिए के, जो GTA 5 को जो है आपको एंड्रॉयड में खिलवा देंगे, वो भी सिर्फ 300 MB में, कहे में मोबाइल में खिलवा देंगे आपको 300 MB, ऐसे ऐसे भी हैं हमारे यहाँ चमन। तो देखो भाई ये जा रही है, मैं यहाँ पर कोई खास कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देखने का ये है नज़रिया कि ये कार माउंट चिलियाड पर चली जाती है नहीं। और ये जो आइडिया है ना, ये मुझे मिला है पम्मी भाई से, चपाती हिंदुस्तानी गेमर से, कि वो जो अपन जब भी गाड़ी लेते थे GTA ऑनलाइन में कैसे में भी, तो वो जो है टेस्ट जरूर करते थे माउंट चिलियाड वाले पहाड़ पर ले जाकर कि वो चलती है या फिर नहीं चलती है। तो मैं भी भाई चेक कर रहा हूँ कि हमारी कार चलेगी या फिर नहीं चलेगी, तो चेक करते हैं फटाफट से 2x स्पीड में, क्योंकि भाई मैं कमेंट्री कर करके थक जाऊँ गर्मी में। तो
तो गाइस फाइनली मेरी कार निकल चुकी है, क्योंकि आपने 2x की स्पीड में देखा। मैं ज़्यादा कमेंट्री इसलिए नहीं करी बीच में क्योंकि भाई यहाँ पसीने आ रहे हैं गर्मी में, आप समझ सकते हैं किस हालात से जो है मैं यहाँ पर कमेंट्री कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अभी टैग को बताया कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जो है जाने का रास्ता है नहीं, खैर ये पैदल है, गाड़ी पीछे खड़े थे, पर तुम्हारा भाई ज़रूर ले जाएगा अपने कार को, भाई मॉडिफिकेशन है बहुत ज़्यादा, डोर फूक गया है तो ऐसे कैसे हो भाई, वहाँ तक ही लेकर जाऊँगा आगे तक। और ये भाई GT5 का जो सबसे टॉप व्यू है शायद से मेज़ बैंक, हाँ जी हाँ मेज़ बैंक से भी ऊँचा है GT5 में, कभी आपको मेज़ बैंक में लेकर चलूंगा। और तो भाई ये है थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा, ऐसे कैसे भाई पीछे ना छोड़ना का तुम्हें ऐसे कैसे। और हाँ भाई मैं आपको बता दूं, जो अगली वीडियो आएगी ना उसमें जो है मैं अपने लिए गराज बाय करूंगा और 2-3 कार, ठीक है ना, इतना जो है इस कार को जो है रिपेयर भी करवा लूंगा मैं अपनी को, और उसके बाद जो है मैं चलेंगे। तो फ्रैंकलिन भाई थोड़ा सा ऊपर भी चले दिखाओ पब्लिक को कि कैसे कैसे होता है। तो ये देखो भाई GT5 का सबसे टॉप व्यू। तो यही था आज की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम।